तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग किडनैप करने वाले विलेजर्स को, आर यू सीरियस राइट नाउ ब्रो, हॉल के अंदर जो आपको भी दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये देखो, जब मैं ऑफलाइन था तो मैं देखो एक छोटा सा हॉल बनाया विलेजर्स के लिए, क्योंकि यार अगर विलेजर्स बाहर रहेंगे तो यार तो ज़ॉम्बीज और बहुत सारे क्रीपर्स और इनसे मार देंगे, तो इसलिए मैंने हॉल बनाया है। तो देखो अभी विलेजर्स को लेके आने के लिए हमें बनाना होगा बोट, और जल्दी से जल्दी बोट बना लेता हूँ। बोट को बनाने के लिए मेरे पास सामान तो है बहुत सारे, तो सबसे पहले मैं बोट बना लेता हूँ। उसके लिए हमें लगेगा उससे एक शावल और वुड प्लैंक तो मेरे पास है ही। जल्दी से जल्दी बोट बना लेता हूँ और चल चलते हैं विलेजर्स को किडनैप करने के लिए, मतलब लेके जाने के लिए। किडनैप नहीं, मतलब एक तरह से किडनैप भी। तो जगह तो रात हो ही रही है, तो यार जाके सो जाते हैं, क्योंकि अगर रात को अगर हम लेके जाएंगे तो यार ज़ॉम्बी स्कूल में मार सकते हैं, इसलिए जल्दी से जाके सो जाते हैं। 2000 years later. तो गाइस हो गई अगली गुड मॉर्निंग। तो गाइस इस बार हम शुरुआत करेंगे अपनी गुड मॉर्निंग एक फ्रीड बाइक के स्टाइल में। तो यार गाय का सबसे पहले ताजा सा दूध पी लेते हैं, तो जल्दी से जल्दी गाय का ताजा दूध पी लेते हैं। चलो गाय थोड़ा ताजा दूध तो दे दो, तो चलो पीते हैं आज की गाय का ताजा दूध। चलो गाय का ताजा दूध तो पी लिया है, पर अभी ब्रेड खाने के लिए तो यार हंगर बार बहुत पूरा फूल है, तो यार ब्रेड तो नहीं खाने के लिए जाते हो। आज का शुरुआत हम ताजा था दूध से करते हैं, तो जल्दी से जल्दी चलो। तो आगे देखो हमारे यहाँ पर एक शिकारी मिल चुका है, तो इसे ले लेते हैं। चलो बेट तू तो आज पकड़ा गया है, तो अभी तेरा अभी पूरे साल नहीं, अभी हम ऐसे करें तू अभी उस हॉल के अंदर रहेगा तो। और बेटे अभी तेरा भी टाइम आएगा, रुक जाए तू या फिर रुक, मैं आता हूँ तेरे को लेने के लिए। अरे भाग का भाग के यहाँ जा रहा है, आऊँगा मैं वापस आऊँगा। जल्दी जल्दी जाके इसे अरे इधर गया, जल्दी जल्दी इसको लेके जाते हैं हॉल के अंदर। तो यहाँ पे चढ़ाने के लिए हमें वाटर बकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वाटर बकेट से लेकर ऊपर ऐसे चढ़ सकते हैं हम। अरे यार वापस क्यों उतर गया अभी इसके अंदर से, तो कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी ऊपर आ चुका हूँ मैं। ये पानी ले लेते हैं, तो क्या चलो पानी तो ले लिया है, तो जल्दी से जल्दी हॉल के अंदर जाते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है पानी प्लेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे वो शवल से यार करते ना, तो इसलिए वो चढ़ता नहीं है ग्रास ब्लॉक ग्रास के ऊपर, ऐसे पानी डालना होगा मुझे। गाइस देखो पानी भी मैं कलेक्ट कर लेता, जल्दी से जल्दी हॉल के अंदर जाते हैं। और आपको बताया होगा क्योंकि यार विलेजर्स लेके जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पूरे माइनक्राफ्ट में, बाकी सब तो हम कर सकते हैं, विलेजर्स को मारना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो जल्दी जल्दी जाके लेते विलेज को अंदर डालते। और देखो यार मेरे साथ देखो एक छोटा विलेजर भी देखो साथ आ रहा है, तो देखो यार तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई, पर मुझे लगता नहीं ये इसके अंदर रहेंगे, क्योंकि देखो अभी मैंने ना वो से ग्लास से मैंने बंद नहीं किया, इसलिए वो निकल जाएंगे मुझे लगता है ऐसे ही। तो देखो यार देखो हाँ, तो देखो निकल गया वो विलेजर, तो देखो कोई बात नहीं, मेरा तो एम था कि एक विलेजर ले गया है पर वो निकल गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ से बंद कर देता हूँ इसको ना, क्या कि एक विलेज जाने के लिए। और यार मुझे लगता है मुझे बहुत दो तीन बेड बहाने चाहिए, तो जल्दी से बेड बना देता हूँ मैं, बस दो मिनट में बेड बना के आता हूँ मैं। तो क्या देखो मैं बेड तो बना देखो, अब मैं एक विलेजर भी लेके आ चुका हूँ, तो जल्दी से जल्दी उसको लेके आता हूँ। और मैं देखो दो की तीन मैंने बोट बना लिया, क्योंकि देखो यार मैं एक बोट में दो विलेजर भिड़ा दूंगा, तो यार बोट की भी बचत हो जाएंगी और विलेजर्स भी अंदर आ जाएंगे, तो ये मैं सोचा है। और विलेजर बाहर भी भाग के नहीं जाएंगे, तो देखो सबसे पहले इसको क्या करूँगा मैं, इसको पहले यार भाग कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा मैं सबसे पहले। बंद करने के बाद देखो दमे दमे दम बंद करने का मैं इसे तोड़ दूंगा, और ये विलेजर जाके वो उस बोट में बैठ जाएगा। बस ये तरीका मैं सोचा है, तो जल्दी से यार इसे करके सारे विलेजर को लेके आते हैं। दो मिनट नहीं, कम से कम 10 की आधा घंटा लग जाएगा। तो गाइस देखो रात भी हो चुकी है, तो यार जल्दी से जल्दी जाकर सो जाते हैं, नहीं तो वही ज़ॉम्बी आकर उनको मार देंगे, तो जल्दी से जल्दी जाकर सो जाते हैं। और देखो यार अंदर जा चुका, जल्दी से जल्दी जाकर सो जाते हैं यार। 2000 years later.
तो गाइस हो गया अर्ली गुड मॉर्निंग। तो इस बार हम करेंगे गेमर फीड बाई के सेम टू सेम स्टाइल में गुड मॉर्निंग करेंगे। पहले सबसे पहले हम लेंगे गाय का ताज़ा ताज़ा दूध और जल्दी जल्दी पी लेते और खाएंगे ताज़ा ताज़ा ब्रेड। तो गाइस बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो चुकी है हमारी माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। तो चलो काम को शुरू करते हैं फिर से, चलो जल्दी जल्दी अपना काम शुरू करते हैं। तो गाइस देखो यार मैं कम से कम 6 की 8 विलेजर तक लेके आया हूँ। देखो मेरे देखो 1 2 3 4 5 6 7 विलेजर लेके आ चुका हूँ मैं। और देखो एक विलेजर बाहर देखो घूम रहा है, बोला वो बेबी विलेजर है, उसको कोई टेंशन नहीं कि वो अंदर आ सकता है। वो यार वो किधर जाता भी देखो नीचे लग गया। देखो 8 विलेजर मैं मैं लेके आ चुका हूँ 8 विलेजर। सबसे पहले इसे बंद कर देता हूँ मैं, और मुझे लगता है मुझे बेड भी बनाने होंगे। और बेड मेरे को लगता है इनके घर से उठा के बेड इनको रख देता हूँ, क्योंकि यार मुझे बेड बनाना भी। देखो यार मेरे पास कोई वुल फार्म भी नहीं है, तो उससे हम सब बात में करेंगे। तो देखते और कौन से विलेजर बाकी है पूरे विलेज में। क्योंकि देखो सामने एक विलेजर तो है और मुझे लगता नहीं यार उसे लेके जाना चाहिए, क्योंकि देखो यार ये बहुत दूर है यार, इसको बोट में लेके जाते जाते यार बहुत टाइम लगेगा। और एक फिशर मैन है तो यार मुझे लगता है ऐसे आदत छोटे से जान देखे लेकिन नहीं जाते। सबसे पहले यहाँ से बेड ले लेता हूँ, बेड का हमें बहुत काम आएगा। तो देखो यार बारिश भी शुरू हो चुकी है तो कोई बात नहीं, सबसे पहले बेड ले लेता हूँ यहाँ से भी, सब घर से बेड उठा लेता हूँ। तो ये देखो यार इन्वेंटरी तो फुल हो चुकी है, तो सबसे पहले चलो फालतू सामान फेंक देते हैं। तो यार देखो बेड तो मैंने उठा लिया है, चलो जल्दी से जाकर ये बेड को यहाँ के जाकर प्लेस कर देते हैं। तो गाइस और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी मज़ेदार सर्वाइवल सीरीज के लिए यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार मुझे लगता है बहुत मज़ा आएंगे यार सर्वाइवल सीरीज बनाने के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बेड प्रेस कर देता हूँ मैं, कम से कम 2 की 3 बेड लेके आया। देखो यार तो देखो स्पार्कल्स तो आ चुके हैं, तो ये अच्छी बात है कि यार स्पार्कल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये विलेजर देखो यार स्पार्कल्स आ रहे, तो यार विलेजर मतलब ले रहे हैं अपने बेड। देखो ये लास्ट बेड इसको भी प्लेस कर देता हूँ। तो क्या देखो सब बेड तो मैं प्लेस कर देता हूँ, मैं सब चाहो इनको सब आज़ाद कर दूँ। सॉरी अरे भाई सॉरी अरे इसको को अच्छे से मारना होने दो यार, वीडियो को लग जाए तो यार मर भी ना जाए। देखो इसे भी अच्छे से मार के निकाल देता हूँ बोट को, इसे भी अच्छे से निकाल देता हूँ बोट को। तो ये बोट भी हो चुका है, ये लास्ट बोट है। अरे सॉरी भाई यार, तो कोई बात नहीं, चलो तो ये सबसे पहले ये बोट ले लेता हूँ। अरे फालतू ये बहुत सारे सामान है यार मेरे पास, तो यार इसे भी मुझे लगता है ये केस में डालना होगा। तो चलो चलते हैं बाहर। और देखो यार ये तो यार ये तो नल्ला विलेजर है, तो इसे तो मारना बनता है। चलो भाई तेरा कोई काम नहीं है यार, तो क्या हमने नल्ला विलेजर भी मार दिया है। तो क्या देखो बहुत ही बड़ा काम हो चुका है, तो बारिश भी हो रही है, तो यार मुझे लगता है इनका हमें जाना चाहिए बाहर। तो पानी भी कलेक्ट कर लेता हूँ, तो चलो चलते हैं। पर देखो यार बाहर एक छोटे को एक बेबी विलेजर देखो घूम रहा है उधर इधर, तो मुझे लगता है इसको कोई कुछ करेंगे तो नहीं यार, ये तो छोटा सा है किधर भी चला जाएगा कोई, पर इसे लेके जा कर। तो यार इसको लेके जाने के लिए एक बहुत ही मस्त तरीका है, तो वो आपको बताता हूँ मैं क्या करना चाहिए। तो देखो यार हमें करना ये है कि देखो मैं ब्लॉक से इसके आसपास में एक दीवार बना लेनी है। तो यार देखो यार विलेजर बाहर अंदर के विलेजर बाहर भी नहीं आएंगे और बाहर के विलेजर अंदर भी नहीं जाएंगे, तो नहीं बाहर के विलेजर अंदर जाएंगे पर अंदर के विलेजर बाहर नहीं आ सकते, तो ये हमें करना है। तो देखो सबसे पहले ब्लॉक कर देता हूँ ये एरिया, और सबसे पहले ये ब्लॉक को तोड़ देता हूँ, बना लूँगा एक्स को, सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। और देखो ये बोर्ड को मैं तोड़ देता हूँ, देखो बोर्ड तोड़ दिया अंदर चले गए, सबसे पहले ये ब्लॉक कर देता हूँ मैं। देखो मैं ब्लॉक कर दिया, तो जल्दी से डट तोड़ के निकलते हैं सबसे पहले।
तो मैं डर तो तोड़ लिया, तो जल्दी से लिया कहीं से। तो मुझे लगता है उसके घर से मुझे बेड तोड़ लेना चाहिए, तो जल्दी से लिया कहीं के घर से बेड तोड़ लेता हूँ। देखो यार, ये देखो इतने सारे बेड है। देखो मैं बेड तो तोड़ लिया है, मैं कम से कम 3 बेड मिल चुके हैं, तो बाकी बेड तो मैं बाद में बनाऊंगा, पर उससे पहले मैं जाके सो जाता हूँ, क्योंकि यार मेरे देखो यार ज़ॉम्बीज ना आ जाए, तो उससे पहले मैं जाके सो जाता हूँ, इस जगह सो जाता हूँ। तो गाइस फिर से हो चुकी है नेक्स्ट गुड मॉर्निंग, तो देखो ये बारिश भी बंद हो चुका है। देखो यार ज़ॉम्बी यार, ओ भाई एक क्रीपर भी ऐसी बात हो चुकी है, तो जल्दी से जाकर अभी और कोई क्या हो काम है, तो हमें जो है बेड प्लेस कर देता हूँ। बेड प्लेस करने के लिए देखो मेरे पास 3-4 बेड ही है, तो कोई बात नहीं, बाकी बेड तो मैं बाद में प्लेस लगा दूंगा। अरे पानी कलेक्ट कर देता हूँ, अरे पानी तो फाइल मिलेगा, बेड प्लेस कर देता हूँ। देखो मेरे पास देखो 3-4 बेड है मेरे पास, फिर सब बेड को प्लेस कर दो, पर उससे पहले मुझे टॉर्च प्लेस करना होगा, क्योंकि यार टॉर्च लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार कोई और कोई मॉब स्पॉन हो चुका है ना, चाहे मेरे विलेजर्स सब मारे जाएंगे, तो उससे पहले टॉर्च लगा देता हूँ, और एक टॉर्च में भी लगाऊंगा बीच में। देखो यहाँ पे लगा देता हूँ एक टॉर्च, तो गाइस अभी कोई स्पॉन नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। और देखो यार और कई काम है हमारे पास, देखो सबसे पहले बाहर जाके मुझे एक आयरन डोर भी बनाना होगा, तो जल्दी से जाके बना के, और मेरे पास आयरन मुझे मेरे पास है नहीं, तो यार आयरन भी जाके बनाना होगा मुझे। देखो मेरे पास आयरन भी नहीं है, तो यार मुझे आयरन भी लेके आना पड़ेगा केव के अंदर से, और देखो मैं एक माइन बनाया है, तो उसके अंदर से मैं आयरन लेके आ जाऊँगा, तो उसके कोई टेंशन नहीं है। और उसके अभी देखो यार मुझे एक वो यहाँ पे स्टेयर चाहिए, ये भी लगा देता हूँ, क्योंकि यार दिखने में बहुत ख़राब हो जाता है यार, इसलिए फिर देखो स्टेयर लगा दे, और यहाँ पे मैं वुड के लॉक लगा दूंगा, तो यार थोड़ा डिज़ाइन लगेगा, तो इसलिए तो क्या चलो वो सब तो मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले मुझे लेके आना है आयरन और बनाना है आयरन का डोर, तो उसके लिए देखो यार देखते हैं कितने यार तुझे खाना खा लेता हूँ। और लेड को तो मैं अभी कोई काम नहीं लेड का, तो सॉरी अभी क्या फ़ायदा यार। तो गाइस देखो यार मैं देखो आयरन लेके जाऊँ, 14 आयरन लेके आ चुका हूँ, और देखो यार वो मैं वो केव से लेके आया, मतलब मैं जो माइंड बनाया था उसके अंदर से मैं लेके आया हूँ, तो सबसे पहले से स्मेल करता हूँ, और 2 मिनट में मिलता हूँ आपको स्मेल करते हैं आयरन। तो गाइस देखो मेरा आयरन तो स्मेल हो चुका है, तो जल्दी जल्दी मैं डोर बना लेता हूँ। तो गाइस देखो मैं 3 डोर बना लिए है, तो जल्दी से जाकर उसे प्लेस करता हूँ, पर उससे पहले मुझे बटन की जरूरत पड़ेगी, और मैं बटन भी बना लिया, तो जल्दी से जाकर इसे प्लेस कर देता हूँ। तो ये देखो यार आयरन डोर की कोई बहुत ज़रूरत है, और क्योंकि देखो यार अगर आयरन डोर नहीं लगेंगे तो विलेजर्स बाहर आ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आयरन डोर की बहुत ज़रूरत है हमें, तो आयरन डोर पहले प्लेस कर देते हैं यहाँ पर कर दिया है। तो यार मुझे लगता है आयरन डोर थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए ना भाई, क्योंकि देखो अंदर की तरफ होंगे तो यार थोड़ा अच्छा भी लगेगा, और लगेगा थोड़ा डिज़ाइन वाला भी लगेगा, तो इसलिए तो मुझे लगता है आयरन डोर अंदर की तरफ होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले विलेज को हटाकर यहाँ पे आयरन डोर लगा देता हूँ अंदर की तरफ, तो क्योंकि देखो दिखने भी अच्छा नहीं, तो मुझे लगता है मुझे बटन बना लेना चाहिए। देखो अच्छा मेरे पास ब्लैंक्स भी है, तो मैं बटन बना सकता हूँ। तो देखो ये 2 बटन हो चुके हैं, तो गाइस हमारा सब काम हो चुका है फाइनली, तो चलते हैं बाहर। तो ये था, तो देखो ये काम भी अच्छे तरीके से कर रहा है, और मैं सब कुछ ठीक कर दिया, मैं ग्लास भी लगा दिया, और देखो ये जितने बेड वो भी लगा देता हूँ मैं अंदर, ताकि ये विलेजर सो पाए आराम से। तो देखो मैं देखो यहाँ पे बेड प्लेस कर देता हूँ, देखो वैसा रख जा तू। तो देखो यार मुझे अभी भी देखो 3 बेड की ज़रूरत है, 1, 2, 3, तो 3 बेड की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी जाके लेके आता हूँ बेड के लिए बेड, तो जल्दी जल्दी जाके लेके आता हूँ बेड के लिए। आ चुका हूँ 3 बेड लेके आ चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी जाके इन्हें डाल दीजिए। और आज का वीडियो देखो थोड़ा लंबा हो चुका है, पर कोई बात नहीं, ये तो ऐसे भी बहुत बड़ा काम था यार इनको लेके आना, तो ये वीडियो तो बड़ा, अरे भाई बाहर मत चला जा तू। ये देखो मैं बेड लेके आ चुका हूँ 1 और 2, लेकिन गाइस मुझे 2 ही बेड की ज़रूरत थी। देखो यार मैं 2 बेड लेके आ चुका हूँ और इसे प्लेस कर दिया है। तो गाइस आज का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अगले वीडियो में देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, डायमंड का आर्मर या फिर कोई कुछ, हमें सबको विलेजर को ट्रेडिंग का ब्लॉक देना चाहिए, तो चलो कोई बात नहीं। तो गाइस
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। तो इसी वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करना और सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको इसे वीडियो आएंगे। तो चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।